आप जुड़ चुके हैं फ्री वॉइस के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। भारत में पिछले 24 घंटों में 21,566 कोविड मामले सामने आए, 45 लोगों ने अपनी जान गंवाई, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में मिले ओमिक्रॉन के 9 नए वेरियंट, जम्मू कठुआ और श्रीनगर जिला में मास्क लगाना अनिवार्य। अब सूर्य ऊर्जा से बनेगा अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए लंगर, बचेगा प्रदूषण, सरकार की पहल। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्गों पर 75,000 पेड़ लगाएगा, श्रीनगर से शुरू हुआ अभियान। पिछले 6 महीने में 15 करोड़ पर्यटकों ने किया कश्मीर घाटी का दौरा, जिसके बाद कारोबार को मिली उछाल। डोडा और बारामूला में फटा बादल, 13 इमारतें बही, 6 घंटे ठप रहा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। 13 अगस्त से देश भर के साथ जम्मू कश्मीर में मनाया जाएगा हर घर तिरंगा अभियान, राज्य स्तर पर होगी राष्ट्रीय गान प्रतियोगिता। करगिल विजय दिवस के मौके पर युवाओं को देशभक्ति का संदेश देने के उद्देश्य से नई दिल्ली से उधमपुर पहुंची बाइक रैली। आखिर पर मौसम की जानकारी, जम्मू कश्मीर में कल रात से लगातार बारिश देखने को मिली, वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है। बात करें तापमान की तो श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 20 और जम्मू का 23.9 दर्ज किया गया। ये थी अब तक की कुछ अहम खबरें, और भी खबरों के लिए बने रहे फ्री वॉइस के साथ।